बॉलीवुड के सितारों की शोहरत के सहारे पाकिस्तान और उसकी एजेंसी आईएसआई ने भारत के खिलाफ जो कुचक्र तैयार किया है उसका नेटवर्क टूटने लगा है। देशवासियों, 13 दिन बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। टुकड़े गैंग कल तक देशद्रोही बन रहा था, अब राम द्रोही बन गया है। ये दो दो दिन के लॉकडाउन, कहीं दो दिन, कहीं अपने हिसाब से कोई भी दिन इजाद हो जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था का पहिया नहीं चल पा रहा ना, ये दोनों पहिए दौड़ रहे। खुद इस सेक्टर के लोग 3-3 बार के सर्वे के बाद कह रहे हैं कि 2.5 से 2.5 करोड़ लोग अभी रोजगार खो चुके हैं और अगस्त तक और 1.5 करोड़ यानी 4 करोड़ और 5 करोड़ के बीच लोग रोजगार खो देंगे। भारत देश कोरोना के साथ साथ और भी कई संकटों से घिरा हुआ है। असम हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ में जूझ रहा है, लेकिन प्रशासन इस पर अभी तक चुप्पी साधे हुए है। इसके अलावा देश में लॉकडाउन होने की वजह से मंदी की मार जारी है। ऐसे में आज हम दिखाएंगे कि गोदी मीडिया में पिछले 5 डिबेट्स किन मुद्दों पर हुए और हमारे आजाद मीडिया ने किन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया। पहले बात करते हैं आजाद मीडिया की, जो आज भी सरकार की कमियों पर खुलकर अपनी बात रखता है और जनता के मुद्दों पर सरकार से सवाल करता है। आइए देखते हैं उन्होंने अपने डिबेट्स किन मुद्दों पर किए। पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की। आइए देखते हैं उन्होंने अपने डिबेट्स किन मुद्दों पर किए। पहला, सचिन पायलट खेमे की याचिका बनी लंबी लड़ाई। दूसरा, बिहार की नदियों की कहानी और बाढ़ का खेल। तीसरा, क्यों नाराज है किसान मोदी सरकार के अध्यादेश से। चौथा, ब्रह्मपुत्र को बांधने के खेल में है असम की बाढ़ का कारण। और पांचवा, बेरोजगारी की बात नहीं करती सरकार। रवीश ने हमेशा की तरह देश में आई आपदा पर अपनी डिबेट की, जो शायद हमें मेनस्ट्रीम मीडिया में देखने को ना मिले। इस बार की डिबेट में रवीश ने बिहार और असम में आई बाढ़ का मुद्दा अपने प्राइम टाइम में उठाया और इस पर सरकार से सवाल भी किए। असम में हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ चली जाती है। हर साल हम असम के बारे में इतना ही जानते हैं कि बाढ़ आई थी, बाढ़ चली गई। रेड अलर्ट, प्रभावित जिलों की संख्या, विस्थापित लोगों की संख्या, राहत शिविरों की संख्या और मरने वालों की संख्या के साथ बाढ़ की कहानी खत्म हो जाती है। जैसे बाढ़ आकर चली जाती है, वैसे ही एक शिकायत भी बाढ़ के साथ आकर चली जाती है कि नेशनल मीडिया के लिए असम की बाढ़ बाढ़ नहीं है। दरअसल नेशनल मीडिया के लिए यूपी बिहार की बाढ़ भी बाढ़ नहीं है। असम की समस्या प्रकृति के कारण भी है और एक्सपर्ट के कारण भी। जब से व्यापार के लिए नदी पर नजर पड़ी है, तब से एक्सपर्ट और इंजीनियर के सहारे नदियों को बांधने की कोशिश होने लगी। करीब 250 साल की नाकाम कोशिश का यही नतीजा है कि ब्रह्मपुत्र पर किसी का जोर नहीं चला। इसके अलावा लॉकडाउन में एमएसएमई सेक्टर में नौकरियों और रोजगार में आए संकट पर भी उन्होंने बात की। सरकार कभी नहीं बताएगी कि कितने लोग तालाबंदी के दौरान बेरोजगार हुए हैं, उनकी सैलरी बंद हुई है। कोविड क्वार्टर यानी अप्रैल से जून के बीच 74% एमएसएमई के किसी भी कारखाने ने या कंपनी ने नए लोगों को काम पर नहीं रखा है कि 11 करोड़ एक अनुमान के हिसाब से इस सेक्टर में लोग काम करते हैं। अगर इसमें से 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएं तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये वही सेक्टर है जिसके कंधे पर सवार होकर मेक इन इंडिया को सफल होना था, जो फेल हो गया। अब इसके कंधे पर आत्मनिर्भर भारत का बोझ डाला गया है, नई पैकेजिंग की गई है। अब जब 3 लाख करोड़ के पैकेज दिए गए हैं तो उनसे जोड़कर क्यों नहीं बताया जाता कि इतना रोजगार पैदा किया गया है, जबकि सच्चाई यह है खुद इस सेक्टर के लोग 3-3 बार के सर्वे के बाद कह रहे हैं कि 2.5 से 2.5 करोड़ लोग अभी रोजगार खो चुके हैं और अगस्त तक और 1.5 करोड़ यानी 4 करोड़ और 5 करोड़ के बीच लोग रोजगार खो देंगे और इस पर कहीं कोई बात नहीं हो रही। अब बात करते हैं News24 के वरिष्ठ एंकर संदीप चौधरी की। आइए जानते हैं उन्होंने अपने डिबेट्स किन मुद्दों पर किए। पहला, क्या देश में कोरोना और राजनीति की टक्कर चल रही है? दूसरा, राजस्थान का संकट खींच रहा है या खींचा जा रहा है? तीसरा, देश की अर्थव्यवस्था दुनिया भर में बजाएगी डंका? चौथा, बेटी बचाओ और गुंडों की गोली खाओ? और पांचवा, देश के किसान दूध को सड़क पर बहाने को मजबूर क्यों? संदीप अपने डिबेट में बीजेपी नेता से सीधे सवाल कर और देश में चल रहे मुद्दों पर सीधे सवाल भी करते हैं। इस बार कोरोना काल में हो रही राजनीति को लेकर बीजेपी नेता से उन्होंने कई सीधे सवाल किए। नरेंद्र तनेजा, कोरोना और राजनीति की टक्कर चल रही है क्या? कौन आगे? तू डाल डाल मैं पात पात।
मैंने आपका इंट्रोडक्टरी रिमार्क को बड़े ध्यान से सुना, आपका पूरा अधिकार है, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं नहीं मानने को तैयार नहीं कि कोई भी मुख्यमंत्री ये चाहेगा कि उनके राज्य के अंदर उनकी जनता या उनके लोगों को तकलीफ आए, किसी की जान चले, मैं मानने को तैयार नहीं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की। नहीं, हमारी कोई स्ट्रेटजी है क्या? नरेंद्र तो नहीं। अच्छा, और ये दो दो दिन के लॉकडाउन, कहीं दो दिन, कहीं अपने हिसाब से कोई भी दिन इजाद हो जाते हैं। भोपाल में अब 10 दिन का लगा दिया गया, तो अर्थव्यवस्था का पहिया नहीं चल पा रहा ना, ये दोनों पहिए दौड़ रहे। पूरी दुनिया के अंदर राजनीति भी लोकतांत्रिक देश है, तो चलती नहीं है। पर यहाँ राजनीति किस बात की हो रही है नरेंद्र तनेजा? राजस्थान में घोड़ों की मंडी सजी हुई है, मध्य प्रदेश में अब मुख्यमंत्री को भी कोरोना हो गया, वहां हर रोज की भाई एक विधायक और छिटक गया, एक विधायक और छिटक गया, वहां बाईपोल्स नहीं होंगे, पर बिहार में चुनावी तैयारियां हो रही है। मैं गलत कड़ी जोड़ रहा हूँ? छोटा सा जवाब दे दूं। देखिए, राजस्थान में हो रहा है, आपकी राय हो सकती है कुछ, मैं बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मेरी अपनी राय हो सकती है। अब बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की। अर्नब अपनी डिबेट में या पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम या फिर विपक्ष पर ज्यादा जोर देते हैं। आइए देखते हैं इस बार उन्होंने अपनी डिबेट में किन मुद्दों पर जोर दिया। पहला, मंदिर पर फिर लौट आई जिन्ना वाली जिद। दूसरा, मंदिर निर्माण से पहले नफरत फैला रहा टुकड़े गैंग। तीसरा, सिनेमा का सुसाइड गैंग कौन। चौथा, चीन की हैवानियत पर पाक चुप। और पांचवा, भूमि पूजन से कांग्रेस को भय क्यों। अर्नब की डिबेट में हमने असम और बिहार में आई बाढ़ का जिक्र देखने को नहीं मिला। अर्नब ने सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर डिबेट की, जिसमें वह बॉलीवुड पर निशाना साधते नजर आए। अब ये साफ हो गया है कि बॉलीवुड में एक लॉबी है जो सवाल पूछने वालों को बर्बाद करने की धमकी देती है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये लॉबी खुलकर सामने आ गई है। सुशांत सिंह की मौत पर पूरा देश अभी भी सवाल कर रहा है कि आखिर एक कामयाब एक्टर ने आत्महत्या क्यों की। इसका जवाब दिया कंगना रनौत ने, और जवाब था कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, उसे मूवी माफिया ने मारा। सुशांत ने आत्महत्या नहीं की दोस्तों, उसे बॉलीवुड के सुइसाइड गैंग ने मारा। इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर भी डिबेट की, जिसमें वह कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते नजर आए। देशवासियों, 13 दिन बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों का काम देश में नफरत फैलाना है, जो लोग कहते थे कि मंदिर बनेगा तो देश में दंगे होंगे, वो मंदिर के नाम पर नफरत की नई राजनीति लेकर आए हैं। टुकड़े गैंग कल तक देशद्रोही बन रहा था, अब रामद्रोही बन गया है। मंदिर निर्माण पर कांग्रेस कह रही है कि पीछे की कोशिश राजनीतिक है। याद करिए, ये वही लोग हैं, वही लोग आज कह रहे हैं कि भव्य राम मंदिर बनने के पीछे राजनीति है। अब मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी आ गई तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग राम के काम को अशुभ बना रहा है। अब बात करते हैं न्यूज नेशन के वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया की। दीपक भी अपने डिबेट कुछ गिने चुने मुद्दों पर ही करते हैं। आइए देखते हैं पिछले हफ्ते उनके द्वारा किन मुद्दों पर डिबेट की गई। पहला, हाउ मेनी ISI इन्फिल्ट्रेटर्स इन बॉलीवुड। दूसरा, महाभारत ऑन द डिमांड ऑफ रिटर्न ऑफ बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस। तीसरा, व्हाट इज द नीड ऑफ मास प्रेयर इन मॉस्क ऑन बकरीद। चौथा, व्हाई डिड कांग्रेस कनेक्ट अयोध्या विद सोमनाथ एंड नेहरू। और पांचवा, What is the problem for the secular gang from Ram Temple? दीपक चौरसिया ने भी ज्यादातर डिबेट हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर की। उनकी डिबेट में देश में आई बाढ़ का जिक्र नहीं देखने को मिला। दीपक ने अपनी एक डिबेट में बॉलीवुड और ISI के जुड़े होने की बात भी कही। बॉलीवुड के सितारों की शोहरत के सहारे पाकिस्तान और उसकी एजेंसी ISI ने भारत के खिलाफ जो कुचक्र तैयार किया है, उसका नेटवर्क टूटने लगा है। ब्लैक लिस्टेड रेहान सिद्दीकी, पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश कारोबारी अनिल मसरत और कश्मीरी टोनी अशाई पर खुलासे हैरान कर देने वाले हैं। रेहान और अनिल मसरत बॉलीवुड इवेंट की आड़ में विदेशों में भारत विरोधी एजेंडे को साधते रहे हैं, मगर ये खेल अब नहीं चलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। ऐसे में उम्मीद यही है कि जब जांच होगी तो बॉलीवुड में ISI का पूरा नेटवर्क एक्सपोज होगा। तो सवाल यह है कि हमारे सितारे इन लोगों की असलियत जानते भी है या नहीं। सवाल यह भी है कि जब टोनी एशावे जैसे लोग लगातार बुरहान वानी का समर्थन कर रहे थे, कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा था उसमें पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे, तो हमारे सुपरस्टार इनके साथ क्यों खड़े हैं।
इस बार भी हमने पिछले हफ्ते के 5 डिबेट्स का जिक्र किया और आपने खुद ही देखा कि दोनों तरफ के मीडिया में मुद्दे उठाने में कितना अंतर है। हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारा गोदी मीडिया भी देश के मुद्दों पर डिबेट करना शुरू करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।